अगर आप अपनी विधवा बहू को पढ़ा सकते हैं, तो क्या उसका दोबारा घर नहीं बसा सकते हैं? बस एक शब्द और न बोलियो। हमारी बिरादरी में आज तक किसी विधवा की ना तो शादी हुई है और ना ही होगी। ये मेरा स्त्री धन है, आप इन्हें बेच दीजिए और मेरी फीस भर दीजिए। इनसे ना होंगे 2 लाख। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तुलसी मैया ने इतने सारे पैसों का इंतजाम कर दिया है, तो बाकी के पैसों के लिए भी कोई रास्ता दिखा देगी। आपका ये पोता रणवीर आज से यही रहेगा। MSI इंदौर में इसकी एडमिशन हो गई है। सच? I'm sorry बड़े पापू, लेकिन मैं इंदौर में नहीं रह सकता। देवराज मित्तल को परिवार में और व्यापार में ना सुनने की आदत नहीं है। भाभी आप क्या ढूंढ रहे हो? लाडो मैं पिछले 2-3 महीने के रिकॉर्ड्स की डायरी ढूंढ रही हूँ। कहाँ रखी मैंने? तू भी जरा ढूंढना, हरे कलर की है। ठीक है भाभी, कहीं ये तो नहीं है ना? ये तो है, लेकिन भाभी आपको ये क्यों चाहिए? लाडो सवाल कम, और जिन नंबर लिखे है ना वो कागज में लिखते, जल्दी कर। आप करना क्या चाहते हो? वही जो सब्जी वाले ने किया, जल्दी करना। लाडो मैं इन सब नंबर पर फोन करके ये बताती हूँ कि अगले 2 दिन के लिए हमारे पार्लर में 50% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि 5,000 की सर्विस 2,500। जी क्या किया लाडो? सॉरी। जल्दी से समेट ले वरना कोई गिर जाएगा। हमने अपने राशिफल में पढ़ा था कि हमारे घर में जो भी इंसान पहला कदम रखेगा वो अपने अंदर नकारात्मक शक्ति लेकर आएगा। तो हमने भी सोच लिया कि उसके घर में अंदर आने से पहले हम उसका शुद्धिकरण कर देंगे। आप यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर चलिए ना। तुम सामने से हटोगी तब तो मैं अंदर आऊंगी ना। चलिए ना। मॉम, व्हाट अ सरप्राइज। Good morning. Good morning, Dad. Good morning. How are you? Good, beta. How are you? Good. Good morning कहना कितना आसान होता है ना नुपुर? काश हम ये भी समझ सकते कि जिसे हम good morning कह रहे हैं, उसकी रात कैसी गुजरी होगी? पर हमने कब good morning बोला? सिंदूरा भाभी, हमने good morning नहीं बोला। रणवीर बेटा, you are a responsible boy. मैंने नहीं सोचा था कि तुम आपको ऐसे परेशान करेगा। Sorry, Dad. Mom, I'm sorry. But वो क्या है ना कि दादी साहब को सरप्राइज देना था, इसलिए I'm sorry. Okay. कान पकड़ के सॉरी। अच्छा उठक बैठक। बाप रे, कोई बहुत ज्यादा ही नाराज। Okay. चलो माफ किया, पहले मुझे एक बात बताओ। कल रात वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? मॉम, लड़की कौन सी लड़की? जहां तक मुझे याद है मैं तो कल रात को मनन और साहिल भाई के साथ था, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली घर आ गए थे। Stop lying. I had called you. और तुम्हारा फोन किसी और ने नहीं, किसी लड़की ने आंसर किया था। अच्छा ओके, आई गॉट इट। मॉम पता है कल क्या हुआ? कल मेरा फोन गुम गया था, तो हो सकता है कि वो फोन किसी लड़की को मिल गया हो। नमस्ते आंटी जी, मैं सुमन बोल रही हूँ सिंगार ब्यूटी पार्लर से।
जी बस ये बताने के लिए फोन किया कि अगले दो दिन के लिए हमारे ब्यूटी पार्लर में 50% की छूट चल रही है। सच में? हाँ हाँ, कोई भी सर्विस पर। माफ कीजिए बहन जी, मुझे कुछ नहीं कराना है। जी ठीक है, जब भी कुछ कराना हो तो फोन कर लेना। भाभी जी, घर के नौकर परिवार वालों के साथ कब से खाना खाने लगे? अरे सिंदूरा भाभी, आज पंडित जी ने कहा है घर की सारी बहुएं जमीन पे बैठ के खाना खाएंगी। भाभी जी, मैं पंडितों में नहीं बिलीव करती, यू नो ना। सिंदूरा, तुम टेबल पर बैठ जाओ। नुपुर, मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा लूंगी। भाई मानना पड़ेगा, चाची की बातें और उनका नाश्ता बिल्कुल यूनिक होता है, उनकी तरह। आज मैंने सब कुछ मासा की पसंद का बनाया है, कचौड़ी, जलेबी, पोहा, पराठे और रसे वाली आलू की सब्जी, कॉर्नफ्लेक्स एंड फ्रूट्स भी। कम ऑन मॉम, वो सब तो हम रोज खाते हैं डेली में, आज कुछ देसी नाश्ता होता है, खाने जा रहा हूँ। देख रहे हो आकाश, आजकल की पीढ़ी को नाश्ते में खुशबू तो चाहिए लेकिन परिवार का साथ नहीं। क्या हुआ भाई साहब, आप रणवीर से इतने उखड़े हुए क्या? कुछ हुआ है क्या? पहले तुम परिवार को छोड़कर चले गए और अब वही काम तुम्हारा बेटा रणवीर कर रहा है। इसे परिवार को भुलाना नहीं, तरक्की की राह पर चलना कहते हैं भाई साहब। पहले मौका आकाश को मिला और अब रणवीर को मिल रहा है, इसमें बुराई क्या है? बुराई सोच में जो मौके को पहले और परिवार को बाद में आती है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मौके छूट जाते हैं लेकिन परिवार हमेशा साथ रहता है। कम ऑन बड़े पापू, कड़वाहट को दूर भगाई, गर्मा गर्म जलेबी से अपना मुंह मीठा कीजिए। अब बताइए, खुल गई ना मुंह में मिठास? राजनीतिज्ञों के शहर में रहकर बातों का हेर फेर बहुत अच्छे से करना सीख गए हो, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं रणवीर कि तुम्हारे सपनों में परिवार के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बड़े पापू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप जानते मैं दिल्ली जाकर भी आप लोगों से उतना ही जुड़ा रहूंगा जितना यहां रहकर। अच्छा एक काम करते, मैं दिल्ली में जब सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा हूंगा, कॉर्नफ्लेक्स खाता हुआ, तब मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, तब आप चाची के हाथ का बनाओ गर्मा गर्म पोहा खा रहे हो, तब आप मुझे जला सकते हैं। बट बड़े पापू, मैं वो कॉर्नफ्लेक्स खाकर खुश रहूंगा, ट्रस्ट मी। बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं इंदौर में रहकर MSI कॉलेज से अपना MBA नहीं कर सकता। MSI कॉलेज? दिल्ली छोड़कर ये लोग रणवीर का एडमिशन इंदौर में क्यों करवाना चाहते हैं? बापू मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैं अपने सपनों को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज। कैसे समझाऊं मैं आपको बड़े पापू कि मेरे ड्रीम्स MSI कॉलेज से MBA करके पूरे नहीं हो सकते। सब, अरे तू यहाँ क्या कर रही है छोरी? ओ सब छोरियां तेरा भेंट कर रही होंगी वहां पार्लर में। मासा आज का सारा काम हो गया। चल अच्छा शुक्र है। और ये लीजिए, कल के और आज के मिला के पूरे 19,000 है। 19,000? अरे छोरी ज्यादा खुश ना हो, अभी दिल्ली बहुत दूर है, 11,000 और करने तुझे एक दिन में बस। हमारा तो दिल बैठा जा रहा, 11,000 कैसे होंगे? तू भी थक गई होगी ना सबके चेहरों की बूट पॉलिश करके, चाय पिएगी ना तू? तुम्हारे लिए भी आधा कप बना दी, हमारा तो दिल बैठा जा रहा। हाँ हम ऐसा आराम से बैठे ना। हाँ हाँ जा चाय बना के लेके आ, जा खुद भी पी ले और हमारे को भी पिला दे। 3-4 आज तूने मेरा इतना बड़ा काम किया है कि आज के दिन तू मुझे संजू बुला सकता है। चल एड्रेस रीड्स कर। बंगला नंबर 10, मित्तल सदन, गांधीनगर, इंदौर। यानी कि इंदौर की सबसे बड़ी कोठी।
उसमें फोन नंबर भी है। इधर आ। और पास। और पास। थैंक यू पप्पू। चल बैठ जा। ओएमजी उधर। संजू पिक्चर देखने चलोगी ना? इसने बड़े बड़े सपने देखने कहा सिर्फ संजू को है, समझा? चल निकल। कोई नंबर मिला? ये देखो। हाँ इनका तो रिकॉर्ड भी अच्छा है, 2500 का काम कर रहा था, इन्हें मिलाते। माय गॉड विद्या कसम भगवान जी, इस नंबर पे हमारी लॉटरी लगवा देना। जी नमस्ते, मैं सुमन बोल रही हूँ श्रृंगार ब्यूटी पार्लर से। जी मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे ब्यूटी पार्लर में बढ़िया ऑफर चल रहा है 50% का। ऑफर तो अच्छा है पर मैं बिजी हूँ। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है ना, तू और निकाल। मासा कहाँ हो? अभी नहीं लड्डू, मैं थोड़ी देर से बनाती हूँ। मासा भी बेकार के कामों में लगा देती। कहाँ गया? यही तो रखा था मेरा पेपर। अरे वाह एरोप्लेन बनाओ ना। अभी थोड़ी देर से बनाती हूँ, तब तक आप इधर खेलो। अरे ये क्या कर रहे हो लड्डू आप? यहाँ मत खेलो, बुआ और माँ बिजी है ना। एक काम करो, आप अपने ना कपड़े बदल कर आओ, तब तक बुआ ना प्लेन बना कर रखेगी, ठीक है? जाओ। लाड़ो 2-3 नंबर तो बंद आ रहे हैं, इस नंबर पे फोन लगाती हूँ। लाड़ो तू ये सब छोड़ और किरण जीजी को मेहंदी देकर आ, जा। अच्छा हुआ तो यहीं पे मिल गया। थैंक गॉड चाची आप आ गए। ये पता नहीं किसका फोन है, आपका फोन है और मैं बातें कर रहा हूं। दीजिए बात कीजिए। अरे हम पूछ रहे थे खाने में क्या बना है। चाची आई प्रॉमिस। अब किनसे बात करोगे ना? तो खाना वाना सब भूल जाओ। बात करो बात करो बात करो। मतलब? अरे बात क्यों करो। हेलो जी हाँ हम सुमन बोल रहे हैं सिंगार ब्यूटी पार्लर से। हमारे पार्लर में 50% की छूट चल रही है, आपको जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी करवाना होगा ना उसमें आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी, यानी कि 5000 की चीज 2500 में। अच्छा यही तो लिखा था हमारे राशिफल में आज के कि हमें धन का लाभ होगा। अच्छा भैया हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, हमारे घर में ना 3 औरतें और हैं तो उन्हें भी ये स्कीम का फायदा होगा? हाँ हाँ जितनी भी लेडीज है ना ये सारी ऑफर उन सब के लिए है। तो आप हमारे यहाँ का पता लिख लीजिए और जल्दी आ जाए। नहीं 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 तुम समझी नहीं, तुम्हें अपनी सर्विस देने के लिए ना यहाँ आना होगा हमारे घर, तो तुम पता लिखो। लाडू हमें वहाँ बुला रही है पर ऑर्डर 3-4 लेडीज का है। हाँ तू चाहते है ना। हेलो
ऐसा नाराज तो नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। जी ठीक है, हम आ जाएंगे कल वहां। आप अपना पता बताइए। तो हमारा पता है देखा लाडो, तुलसी मैया ने पहला ही ऑर्डर कितना अच्छा दे दिया ना। सुना आपने जीजी, अब भाभी की ना फीस का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा सुनना आंटी, वो मेरा पेपर था ना जो आपने मेरा झांझा नहीं बनाया। सॉरी लड्डू। ये कहां से मिला तुझे? लड्डू उसका प्लेन बनाने के लिए लाया था। तो तू मेरे सपनों का जहाज बना के उसे हवा में उड़ाना चाहता है? खबरदार, आगे से मेरी कोई भी चीज टचिस करने से पहले पूछ लियो। लेकिन संजू, तू इसका क्या करेगी? मित्तल सदन का ऑर्डर तो हमें मिला है, हमें जाना है वहाँ। सच्ची बोल रही हूँ, खाओ मेरी कसम, प्लीज। मतलब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम मतलब तुम भी चलोगी? हाँ भाभी साहब, इतना सारा काम होगा। भाभी साहब, मैं आप लोगों की हेल्प कराना चाहती हूँ। तीनों मिलकर करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा ना। जी जी, क्या हुआ है आपको अचानक से? अरे मित्तल सदनी तो मेरे सुपरमैन का एड्रेस है। दोनों क्या खसर खुसर कर रहे हो? लड्डू ये ले और लड्डू खा। भाभी साहब, मैं तो ये बोल रही थी कि अब मित्तल सदन ही बनेगा हमारी खुशियों की चाबी। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। जी जी छोड़ो ना, मुझे भाभी की मदद करनी है। ए आंटी, उधर और करना, इतनी जल्दी थक गई क्या? लाड़ू तू रहने दे, मैं कर लूंगी। क्या क्या करेंगी आप? अपनी हालत देखिए आपने। ए आंटी, ठीक से करना, इधर ध्यान दे। लाड़ो, इस थकान में भी ना खुशी है। तुझे पता है कुल मिला के 19,000 जमा हो गए। अब कल मित्तल सदन में जाके ऑर्डर पूरा करके बाकी की रकम भी आ जाएगी। फिर पूरी फीस के पैसे मासा के हाथ में दे दूंगी और मैं अपना दिल उसके हाथ में दे दूंगी। हाय, कब होगी ये सुबह? जी क्या बोले आप? भाभी मैं आपको बताती हूँ, वो जो तुलसी भैया वाली लड़की है, आंटी की बच्ची, तू भी ना बिल्कुल मोहल्ले की आंटियों जैसी है जिनके पेट में कुछ नहीं बचता। वार्निंग दे रही, अगर भाभी को कुछ भी बताया ना, देख लियो। मैं तो बताऊंगी, जो कर सकती हो कर लो। अच्छा, जाए भी बताती हूँ तुझे। रुक, रुक। बस संजू, सच सच बता, क्या छुपा रही थी? अरे अपने सुपरमैन को। लो, खुद ही बक दिया। मैं आपको बताती हूँ भाभी, उस दिन तुलसी विवाह में तीन छोरे आए थे ना, उनमें से एक छोरा दीदी को पसंद आ गया और उसके बाद उन्होंने उसकी बाइक पे सेल्फी वेल्फी ली और उसके बाद वो चाहती है कि वो उससे मिले, मित्तल सदन जाना चाहती है वो। ये बात है तो इस संजू को मित्तल सदन उस लड़के से मिलने जाना। What's up? क्या कर रहे हो? तूने तो डरा दिया छोटे। कौन है भाई? भाई छोटे है। मैं हूँ भाई। वैसे बात बताओ यार, यहाँ पर क्या कर रहे? I mean, क्या टॉयलेट खराब हो गया क्या कि यहाँ पर ये सब कर रहे हो? वैसे जो करने आया था पूरा हो गया? सीरियसली छोटे, अबे तू क्या की है सर? बड़े पापा आ गए ना बेटा, तो मैं तो मरूंगा ही, साथ में मरेगा भाई। बड़े पापा क्या भाई? क्या? भाई अरे चिंगम निकाला, चिंगम निकाल। स्मेल आ रही, स्मेल आ रही, स्मेल आ रही। अरे वो दोनों यहीं पर है बस, ये देख आ गए। बड़े पापा? हाँ बड़े पापा कहाँ? अरे बड़े पापा कहाँ गए? यहीं पर थे। संजू, भले घर की लड़कियों को क्या ऐसी बातें शोभा देती है, तो मैं कौन सा उसके साथ भाग रही हूँ भाभी। मैं तो बस फ्रेंडशिप्स करना चाहती हूँ बस। और वैसे भी ना आपने उसको देखा भी नहीं है, जितना हैंडसम वो खुद है ना, उतनी शानदार उसकी बाइक और उतना ही शानदार उसके घर का नाम मित्तल सदन। आय हाय हाय, सुनते ही ना कानों में चाशनी घुल जाती है। बाय गॉड, ए चुगलखोर, तू क्या देख रही है? तू बता, क्या तुझे नहीं चाहिए ऐसा अमीर लड़का शादी करने के लिए? देखा, चाहिए चाहिए, तभी तो नहीं बोल रही है, चुप है। नहीं जीजी, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार। तो एक काम कर,
दिल को ना छुट्टी पे भेज और दिमाग से सोच, क्योंकि प्यार करने के लिए भी ना पैसा चाहिए जाने मन। मैं नहीं मानती, क्योंकि पैसे और ऐशो आराम एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्यार वो कभी नहीं होगा। क्यों भाभी, अब आप ही फैसला कीजिए, प्यार ज्यादा जरूरी है कि पैसे? हाँ। दोनों भी नहीं, क्योंकि ना तो आज मेरे पास तुम्हारे भैया का प्यार है और ना ही पैसा। अगर मेरे पास कुछ है तो वो है मेरा परिवार। तुम ही मेरी दौलत और मेरा प्यार भी। ऐसे तूने आज बड़े पापा को बहुत अपसेट किया, देखो डरने लगता उनसे। नहीं यार, मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के साथ और अपने करियर के साथ समझौता नहीं कर सकता। बड़ों की बात मानने में कैसा समझौता छोटे? अबे यार सब बेकार की बातें यार। यार अपना फंडा सिंपल है यार, सुनो उनकी, करो अपने मन की। आ, आ, लेकिन झूठ बोलकर, इससे बेटर तो ये है कि जो करना है दिल खोल कर करो, एकदम सीना ठोक कर मेरी तरह। और उसके बाद भी अगर घर वाले आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, जान देखो। लग रही हूँ ना सो हॉट। संजू ये क्या है? भाभी आज आप देखना, उसकी एक नजर मुझसे मिलते ही वो कहेगा तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो इधर है। नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि तू हमारे साथ नहीं चल रही है। पर ये फोन तो मैं ही वापस करूंगी। जी नहीं, क्योंकि ये फोन भी मैं ही दे दूंगी। भाभी अरे ठीक कह रही है लल्ली, तुम दोनों कहीं ना जाओ, जल्दी से कुछ सोच संजू। अगर आज तूने अपने सुपरमैन से मिलने का मौका गवा दिया तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी। मासा ये आप क्या कह रही हैं? भाभी अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर है, कम से कम आज इनका हाथ बटाने दो। हाथ बटाने का शौक चढ़ा है ना तो आज जाके पार्लर संभाल। भाई अनजान घर में कलावती कुंवारी छोरियों को ना जाने दे। मासा अपना नहीं तो कम से कम हमारे और वीर के भविष्य के बारे में तो सोचिए। इस ऑर्डर के पैसों से ना भाभी का एमबीए पूरा हो जाएगा, और अगर भाभी का एमबीए पूरा हो गया तो हमारे घर में खुशियां आ जाएंगी, हमारी शादी हो जाएगी। मासा जरा सोचिए, जो आपने इतने बड़े बड़े दावे किए अपनी बहू को एमबीए कराने के, वो सब खोखले हो जाएंगे ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मासा खोखले लगे। शाबाश मेरी बच्ची, तेरी मेहनत और लगन देखकर ना मुझे अपनी बचपन के दिन याद आ गए, बिल्कुल मुझ पर गई। तभी तो दुनिया वाले छोरियों को बहुओं से ज्यादा माने। जा बटा ले अपनी भाभी का हाथ। आजा। याद रखना लल्ली, कल फीस जमा करने की आखिरी तारीख है, और जे ऑर्डर फीस की रकम जमा करने की थारी आखिरी उम्मीद, खाली हाथ ना लौटना। जी मासा। नूपुर ये सब क्या है? भाभी माँ हम बताते हैं। वो क्या है, आज हम सवेरे सवेरे मंदिर गए थे तो पंडित जी ने कहा कि आज हम अगर नए बर्तनों में खाना खाएंगे तो घर में खुशखबरी आएगी। वो सब तो ठीक है नूपुर, बट प्लेट्स धुलवा लेती तो बेटर होता ना। अरे भाभी प्रणाम, हम बताते हैं। देखिए अगर इन प्लेट को हम साबुन से धो देते तो ये पुरानी हो जाती, इसीलिए तो हमने ये रखा है नैपकिन। उठाइए टैग हटाइए और खाइए। अरे मजली, इससे बहस में पड़ोगी ना तो सुबह का नाश्ता दोपहर के खाने में खाना पड़ेगा। हाँ आप प्लीज इसे रख दीजिए। आप कहती है तो रख देता हूँ। व्यापार में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं आकाश, और इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अभी चल रहे हैं। प्रणाम मासा। जीते रहो।
मैं आकाश के साथ थोड़ा किसी से मिलने जा रहा हूँ, आके आपसे मिलता हूँ। भाई साहब पहले नाश्ता कीजिए, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। भाई आकाश, घर की सरकार का हुक्म तो हम भी नहीं टाल सकते, पहले नाश्ता करते हैं। अरे मनन, साहिल, रणवीर। आया माँ। प्रणाम दादी। अरे जी तेरा, खुश रहो। खुश रहो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बता तेरे दोनों भाई कहाँ रह गए? साहिल अभी तक सो रहा है ना? और रणवीर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय हीरो। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। व्हाट इज इट रणवीर? मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना एमबीए एमएसआई कॉलेज इंदौर से ही करूं। कल और आज में ऐसा क्या हो गया कि रणवीर इंदौर से अपना एमबीए करने के लिए तैयार हो गया? आज तो जश्न मनाओ। शुक्र है ईश्वर का कि मेरी जे अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई। देखा पंडित जी की बात कही हुई सच हो गई, खुशखबरी आ ही गई। बड़े पापू, संजू क्या कर रही हो? शांति से चलो। भाभी कैसे शांति से चलूं? ये कोठी है या महल? देखो ना, मैं तो इसकी तरफ खिंचती चली जा रही हूँ। अरे जी क्या कर रहे हो आप? तू ना चुप कर। तुम दोनों चुप हो जाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। चलो इस घर में तो कोई बैल ही नहीं है। ए आंटी, इतने बड़े घरों में बैल नहीं होती है। तो अंदर कैसे जाएंगे? जिंदगी तेरा हर इम्तिहान दिया है मैंने, हर रिश्ता दिल से निभाया है मैंने, हर मुश्किल का सामना किया है मैंने, पर आज इस तरह दिल क्यों घबरा रहा है? पता नहीं आगे कौन सा मोड़ है, कौन सा नया इम्तिहान सोचा है तूने?